केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में कर रहे किसान संगठनों ने शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पुण्य शांति की अपील की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए बुलाया भारत बंद और इसका समर्थन भी मिला। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली के इलाकों में भी भारी पुलिस बल तैनात किए गए। किसानों के भारत बंद के चलते दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर लंबी कतारें देखने को मिली। यहां बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें और हजारों कारें सड़कों पर दिखाई दी। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह पर सड़कें बंद है, वहीं आमजन को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए, ऐसे में अब भारत बंद बुलाने का कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर NH-9 और NH-24 पर जाम किया। गाजियाबाद में किसान यूनियन के बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने पैराफेरल, हापुड़ और इसके अलावा यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर सहित कई मुख्य मार्गों पर, चौराहों पर और रोड को डायवर्ट किया गया। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम किया। NH-24 और NH-9 दोनों ही जाम कर दिए गए। भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लिखा है कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को कोई ये पसंद नहीं, इसलिए आज भारत बंद है। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर भी जाम कर दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून के बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो यह आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से नहीं बदल सकते हैं, बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते। कुरुक्षेत्र में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने भारत बंद किया। किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे भी जाम किया। भारत बंद के समर्थन में लोगों को दुकानें बंद कर रखी हैं और बिरला मंदिर के आसपास भी भारी संख्या में किसान जुटे रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र के वाल्मीकि चौक और केथल मार्ग पर जाम देखने को मिला। भारत बंद के मद्देनजर कुरुक्षेत्र और रेलवे स्टेशन पर मलवा एक्सप्रेसवे और दादर एक्सप्रेसवे पर दोनों ट्रेनें शाम 4 बजे तक बंद रही। कुरुक्षेत्र में भारत बंद को लेकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। महिला कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर सड़क जाम कर बैठी रही। करनाल में प्रदर्शनकारियों की दादागिरी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानों को बंद करवाया, जिससे दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे हैं। SP ने जबरदस्ती दुकान बंद करवाने वालों की सूचना देने के आदेश जारी किए। टोहाना में हिसार चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों ने गांव कन्हाड़ी और इसमैन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने नेशनल हाईवे 148B पर भी जाम लगा दिया। इस दौरान एम्बुलेंस सेवा और छात्रों को नहीं रोका जाया। प्रदेश में कई जगह पर दिखा किसान का भारत बंद का असर। अंबाला में हाईवे के साथ साथ किसानों ने बंद किए बाजार। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बस अड्डे के सामने धरना प्रदर्शन किया। सुबह से ही किसान धरने पर बैठे। फरीदाबाद में भारत बंद का खास असर नहीं देखने को मिला। बस अड्डे से सभी रूट पर बसों का संचालन जारी रहा। चरखी दादरी में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इसी के साथ फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर किसानों ने जाम लगाया। सोनीपत के पुरखास रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया। जौहरी चौक पर स्थित गोल चौक के नजदीक जाम लगा दिया गया, जिससे स्कूल और हॉस्पिटल में आने जाने वालों को परेशानी हुई। गुरुग्राम में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया। पटौदी रेलवे स्टेशन पर ज्यादा पुलिस फोर्स लगाए गए। इंद्री में किसानों ने स्टेट हाईवे को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित भी किए।
डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनवाएगी। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा और आधार कार्ड की तरह होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार रात नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग एक घंटे बिताया और संसद भवन के निर्माण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा कर दी गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। साइबर सिटी गुरुग्राम में विवादित आईएएल और एफएस आरवी और अय्यर कंपनियों पर नगर निगम लगातार मेहरबान दिख रहा है। सीएनडी वेस्ट घोटाले की जांच रिपोर्ट ठंडे बिस्ते में चली गई। निगम अधिकारियों ने करोड़ों के सब लेट कॉन्ट्रैक्टर और अवैध वसूली मामले की जांच रिपोर्ट पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। घोटाले में दोषी कंपनियों पर कोई भी कार्रवाई न होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुप्पी साधी। नगर निगम मेयर और पार्षदों ने भी प्रशासन के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। गोरंडा में सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। पनोडा रोड पर काटी गई अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी के दस्ते ने तोड़फोड़ कर कार्रवाई की। फरीदाबाद में सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा मिड डे मील और डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी सम्मान कम सम्मान वेतन नौकरी पक्की करने और 6 महीने से रोकी गई तनख्वाह के मांग पर यह विरोध प्रदर्शन किया। भिवानी जिले के गांव जाटू लुहारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या एनएच 148 बी की हालत कई दिनों से खराब। इस मार्ग पर 3-3 फीट तक गड्ढे पड़े हुए जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी होती है। बारिश के दिनों में तो यहाँ की हालत बस से बदतर हो जाती है जिसकी वजह से दुर्घटना की भी खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में तीगा रोड स्थित प्रणव कन्या आश्रम से 11 वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गई है। सीडब्ल्यूसी ने 7 दिन पहले ही बच्ची को आश्रम में छोड़ा था। बच्ची को मंदबुद्धि बताकर आश्रम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस मौके पर बाल कल्याण विभाग आश्रम की कमी बता रहा है। गौना में मोईमुड्डू गांव के पास जेएलएन नहर में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया और आगे की तफ्तीश शुरू की। नीलोखेड़ी में 3 युवक ने लेडीज रेडीमेड कपड़े के शोरूम को अपना निशाना बनाया और वारदात को अंजाम देते रहे। वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों में से एक बाइक स्टार्टर पर शोरूम के बाहर खड़ा था और 2 युवक शोरूम के अंदर थे। शोरूम मालकिन ने वर्कर्स के साथ मिलकर हाथापाई शुरू कर दी जिसके बाद डकैतों के हौसले पस्त हो गए। सोनीपत में बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया जा रहा है। डीसी खेतों में भरे जलभराव का जायजा लिए। गुआना एसडीएम आशीष वशिष्ठ समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और कई गांवों का दौरा किया गया। कलयोगी पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। 1 महीने पहले से मृतक लापता है। चाकू से गोद कर मारा गया। घर में शव को दबाकर पत्नी घर से फरार है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आगे की तफ्तीश शुरू की। रोहिणी कोर्ट में हुई कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय उमंग और 19 वर्षीय विनय के रूप में हुई। कलनवाली में रक्कड़वाली गांव में व्यक्ति के मर्डर से हड़कंप मच गया जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में सोए व्यक्ति का मर्डर किया गया। मृतक की पहचान हरमेल सिंह के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी जसवीर कौर के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पलवल के यमुना नदी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिलोचपुर के पास यमुना नदी में एक और शव मिला। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यमुना नदी से 1 हफ्ते में ये 4था शव मिला।
करनाल में नेशनल हाईवे पर बल्डी बाईपास के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में 35 साल के किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो किसान गंभीर रूप से घायल। कुरुक्षेत्र के पुआ उपमंडल में चोरों ने केमिस्ट की दुकान को अपना निशाना बनाया और 42,000 की नकदी लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। झज्जर के गांव के में एक मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी। पलवर जर्जर पड़ी सड़क को जल्द बनवाने की मांग को लेकर दर्जन भर गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर परिषद के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपने धरने को खत्म किया। ऑनलाइन मोबाइल भिजवाने के आश्वासन देकर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 98,400 रुपए बरामद किया, आगे की पूछताछ जारी। केतल में टैक्सी ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रनियाखंड के गांव ओटू में बस स्टैंड के पास स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे की दीवार तोड़कर चोर बैंक के अंदर घुसे। चोरों ने स्ट्रांग रूम के सेंसर को भी तोड़ा है। बैंक में चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बहादुरगढ़ सीआईए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रोहित उर्फ लफड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी पर लूट और डकैत जैसे कई मामले दर्ज हैं। सीआईए इंचार्ज रविंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पलवल के गांव बिलोचपुर के समीप यमुना नदी में लगातार 6 दिनों से शवों का मिलना लगातार जारी है। गुरुग्राम के गल्फ कोर्स रोड पर नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी देखने को मिली, जहां पर बिना किसी नोटिस दिए अपने एरिया से बाहर जाकर नगर निगम ने अधिकारियों के कुछ अस्थायी कमरों को तोड़ा। लाइसेंसी कॉलोनी होने के बावजूद नगर निगम के एसडीओ ने यह तोड़फोड़ की कार्रवाई की। कॉलोनी के लोगों ने इस बात की जानकारी एसडीओ को दी और बार बार इस जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेवाड़ी पुलिस ने टीम गठित कर 6 दिन पहले एक अधिवक्ता के घर हुई चोरी का खुलासा किया है। 15 लाख कीमती के आभूषण सहित 5 चोरों को दबोचा। सोनीपत के मुठला गांव की निधि ने यूपीएससी में 286वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। निधि सोनीपत में अपने गुरु सुरेंद्र कदियान के घर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। निधि ने बताया कि अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से वो काफी दूर रही। योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया, जिसमें जितेंद्र प्रसाद, संगीता बिंदा और छात्रपाल गंगवार पलटू राम को जगह मिली। जितेंद्र प्रसाद ने योगी कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली है, वह यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे। इसके बाद छत्रपाल गंगवार ने भी शपथ ली। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबियों को जगह मिली। मंत्रिमंडल के नए चेहरों ने पंजाब के गवर्नर हाउस में शपथ ली। 6 बार के विधायक ब्रह्म मोहिंद्रा ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,996 नए मामले सामने, 29,621 रिकवरी, 200 से ज्यादा की मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से भी ज्यादा नए केस, 206 मरीज सामने आए हैं और 36 मरीजों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, एक दिन में 165 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस सामने आए, 37 मरीज रिकवर, 371 केस अभी भी एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए, 10 मरीज रिकवर, प्रदेश में 33 एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने निर्देश जारी किया। एलजी के माध्यम से अक्टूबर को भी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का निर्देश।
चक्रवाती तूफान गुलाब आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे सकती है। आईएमडी ने बताया कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवाती गुलाब को देखते हुए पूरी तैयारी में है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हर्षल पटेल की हैट्रिक की बदौलत आईपीएल के महत्वपूर्ण मैच में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 54 रनों से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने रविवार रात दुबई मैंगजत आईपीएल में 39वें मैच में हैट्रिक बनाई है। आईपीएल में अब तक 17 गेंदबाजों ने हैट्रिक बनाई है।